यार मैं तो मना कर दूं हथकड़ी के लिए, तो माने नहीं, उन्होंने हथकड़ी लगा दी। बोले कोई बात नहीं बेटा कोई। सुबह के 8 बजने वाले हैं, आज है छुट्टी का दिन, तो अभी ऊपर चलते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए। मम्मी तो काफ़ी देर से ऊपर घूम रही है, मैं अभी जा रहा हूँ, और मानसी फिलहाल कर रही है रेस्ट। 8 बजे भी सूरज इतना डिम है, धुंध है ना आज, इसलिए थोड़ा सूरज डिम हो रखा है, नहीं तो इस टाइम कोई सूरज की तरफ आंख उठा के देख ले। मम्मी का हो गया है योगा, मम्मी तो चली अपने काम के लिए, और अब इस जंगल में मैं अकेला शेर, मतलब पूरी छत पे मैं ही हूँ। अब मैं ही करूँ अपनी एक्सरसाइज, साथ में सूरज चाचू भी हैं, वो काफ़ी दूर है मेरे से, मेरे को कंपनी नहीं दे पाएंगे, तो मेरे को अकेले ही करनी है एक्सरसाइज। हल्की हल्की हवा ने मौसम थोड़ा सा ठंडा कर रखा है, स्ट्रेचिंग करते करते ही ठंड लगने लगी, जैकेट डालनी पड़ी। अभी नीचे चलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। एनर्जी लेवल है ना बहुत लो रखा है बॉडी का, नींद से आ रही है। किसी ने मम्मी को एक चाय पीने की आदत लगा दी, कॉफी है। मम्मी नहीं पीती चाय हो चाहे कॉफी हो, है मम्मी उधर कॉफी चल रही है। इधर मेरे बादाम हो चुके हैं रेडी, बादाम बाद में लेंगे, पहले थोड़ा और टॉनिक लेते हैं। अब पता चला कि मम्मी कॉफी क्यों पी रही है, कॉफी में घी डाल रखा है, तो ये चल रहा है मेरे पीछे से। मेरे को तो बता रहे सिंपल कॉफी है, क्या हो गया कॉफी तो पी रहे हैं, उसमें एक एक चम्मच घी मार रखा है, वो नहीं बताया चंट। हम पियेंगे अपना दूध। मम्मी मटके के लिए बना रही है इंडी, प्लास्टिक इंडी जो कपड़े की है, वो गिल्ली हो जाती है, तो ये इसलिए मम्मी ने ये नया इनोवेशन किया है। क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द रहता था, तो हॉस्पिटल वालों ने दवाई दी, जो जेल में हॉस्पिटल होता है, तो उनका इतना असर हुआ नहीं, तो फिर गार्ड लगी कि मेरे को सिविल हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ पे अच्छे से चेकअप करवा लेंगे। तो फर्स्ट टाइम ही हॉस्पिटल गया था, और फर्स्ट टाइम ही जेल से बाहर निकला था, लगभग ये 14-15 महीने बाद जेल से पहली बार निकला था मैं बाहर। बाकी लोग बताया करते हैं भाई ऐसे हथकड़ी लगाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, दो पुलिस वाले चलेंगे, तो मैं तो मना कर दूंगा हथकड़ी के लिए, तो माने नहीं, उन्होंने हथकड़ी लगा दी। बोले कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, शरीफ तो सब बोया करे। ऐसे 2-4 पॉइंट हमारे फिर हथकड़ी लगा दी उन्होंने, बेल के ऐसे 2-3 राउंड लगा दिए, हाथ पकड़ लिया, एक पुलिस वाला आगे और एक पीछे गन में, पुलिस वालों की बस से होती है जालीदार, उससे उतरा मैं, तो उतरते ही 5-10 लड़कियां थी ऐसे मुड़के सब की गर्दन मेरे साथ साथ। फिर मैं गया हॉस्पिटल के अंदर, तो शायद मंडे था, तो मंडे को थोड़ी भीड़ ज़्यादा ही रहती है हॉस्पिटल में, जो गैलरी सी होती है ना, गैलरी सी है, फिर एक एक रूम नंबर है, ये रूम नंबर 100, 101 ऐसे रूम थे, तो पूरी गैलरी बिल्कुल खचाखच भरी, और बीच गैलरी में कुछ बच्चे घूम रहे थे, मैं उनको देख के स्माइल कर रहा हूँ, तो उन बच्चों देखे तो हमारी तरफ ही देख रहा है गुंडा, तो सब हट गए पीछे कोने में लगे सारे बच्चे, तो मम्मी के पास मम्मी ऐसे देख रहे मम्मी ये मेरे को देख रहा था, उठा तो नहीं ले गया ये। ऐसे तो लाइन लगी हुई थी जिस रूम में हमने जाना था, इमरजेंसी का रूम था कोई, वहां पे तो एक एक को बिल्कुल नाम बोलेंगे, फिर वो अंदर जा रहा था, हम तीनों पुलिस वाले और मैं, हम सीधे गेट के आगे खड़े हो गए। उस बंदे का पता नहीं क्या धोखा लग गया, जो गेट पे बैठा था ना गार्ड, उस गार्ड की नजर डायरेक्ट मेरे ऊपर ही पड़ी, वो जो पुलिस वाले थे मेरे हथकड़ी वगैरह, उसने कुछ नहीं देखी, बोला पीछे चल लाइन मारा है। मैंने ऐसे हाथ ला दिया, देख ओ भाई वो खड़ा हो गया, बोला जाओ सीधे जाओ, बोल रहे डॉक्टर साहब आते ही सारे जाने पूछ रहे, और लगाई हथकड़ी, मैं हथकड़ी तो लगाई, मैं ना मानने VIP ट्रीटमेंट। वैसे मैं अभी पहला काम कर रहा हूँ मंडी में जाने का, सब्जी लाने का। अब तो खैर मेरा काम है सिर्फ जाने जाने का, पिछली बार मैं
संडे को ले गया मम्मी को सब्जी मंडी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी ना संडे को, मम्मी का तो सिर घूम गया। तो इसलिए आज जा रहे हैं और टाइम भी अभी 3 बजे हैं, तो आई होप इतनी भीड़ ना मिले। तो भी चलते हैं, पैसे ले लिए। आज बहुत राहत है मंडी में, पिछली बार हम 6 बजे के आसपास आए थे। मम्मी परेशान होगी मंडी में, मम्मी बोली भाई कितने हाथ ना टिकने देते, इतनी भीड़ हो रही है। और अभी हम ढूंढ रहे हैं घिया और तोरी, काफ़ी आगे आ चुके हैं मंडी के इस जंगल में। काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं। बहुत मुश्किल से घिया मिली है, बस वो पसंद हो रहा जाए मम्मी को। और मेरा काम है सिर्फ मम्मी के साथ चलने का, बार्गेनिंग करनी है मम्मी को कितनी डिग्री ले लो, लेकिन मम्मी जितनी है ना शॉपिंग एबिलिटीज आप में नहीं आ सकती। गजब की शॉपिंग क्वालिटीज है मम्मी में। मैं तो बस मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहा, मैंने नहीं लिया आज 10 रुपए का सामान भी। सारी चीज, एक ये बैग और ये बैग है। ककड़ी भी है क्या? ये ककड़ी है, मिर्च है, हरी हरी मिर्च तो राजी हो खाकर। हमारा खाना रेडी हो गया है, कटहल की सब्जी है, थोड़ी सी चटनी है, तो आज 6 बजे डिनर हो जाएगा। अब मानसी ने उठा लिया थाली, पहले आज मानसी, फिर मैं क्या? और फिर लास्ट में मेरा डाल। अच्छा मेरा, अरे कितना गलत सोच लिया था मैंने। सब्जी देख के तो मैंने लगा आटा तेरा कम पड़ेगा आज, तेरा आटा तो मुझे बेला दी, पर मेरा इतना पड़ेगा है। तो अभी हम कर लेते हैं डिनर। फिलहाल अभी 7:30 हो चुके हैं, आधे घंटे ऊपर घुमाए, आरती कर ली, अभी सत्संग का समय हो चुका है, अभी लगाते हैं सत्संग। 9 बजे तक खुला रहा दूध वाला, धारण करके विराजमान हुए थे जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। इस दूध को लाने के काम के साथ साथ मेरे को दूध गर्म करने का काम भी मिलेगा। मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है क्योंकि मम्मी और मानसी कर रही थी सोने की तैयारी, मेरे को ही कहेंगे कि तू लेट सोता है, गर्म करके सो जाना। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एंड आई एम डैम श्योर आई विल गेट दिस जॉब। दूध गर्म करने का मम्मी कर रही है, एक खा के फिर करेंगे थोड़ी देर रीडिंग का काम। अब करेंगे पापा से बात, घर से पापा की कॉल आ रही है।